हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज जानते हैं पंडित शंभुनाथ कॉलेज, पंडित शंभुनाथ यूनिवर्सिटी शहडोल एमपी का जो फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर सभी का जो एग्ज़ाम चालू हो गया है, तो एडमिट कार्ड निकलना चालू हो चुका है। तो अपने मोबाइल से कैसे एडमिट कार्ड निकालें, चलिए जानते हैं। सबसे पहले कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, गूगल या क्रोम, और यहाँ सर्च करना है PTSNSUniversity.ac.in। यहाँ क्लिक करना है और थोड़ा नीचे आना है, और यहाँ पे देख सकते हो ये PTSNSUniversity में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लोज का बटन आता है, इसको क्लोज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये कॉर्नर में तीन लाइन है, इसमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर में क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑनलाइन सर्विस में क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे देख लेना है, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा है और यहाँ एग्जामिनेशन रिजल्ट लिखा है, उसी प्रकार और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। यहाँ पे आके देख सकते हो जिस ईयर का निकालना है एडमिट कार्ड, जैसे फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का अगर निकालना है तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ अप्लाई में क्लिक करेंगे किसी भी में, तो चलिए हम फर्स्ट ईयर का निकालते हैं। तो फर्स्ट ईयर वाला आप देख सकते हो यहाँ पे, ये फर्स्ट ईयर यूजी फर्स्ट ईयर का है। हम यहाँ अप्लाई में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो सबसे ऊपर लिखा है 2024। यहाँ 2024 लिखा है, उसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वह सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगल बगल क्लिक करके आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ डेट में सेलेक्ट करके सेट में क्लिक करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सिक्योरिटी कोड डालेंगे, जो यहाँ पे कैप्चा, ये सिक्योरिटी कोड दिख रहा है, इसको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद सबमिट करेंगे, यहाँ ओके में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ सबमिट में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया, जिसके नाम से एडमिट कार्ड होगा वो नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने मोबाइल में एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।